अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़े पापा कुछ तो छुपा रहे हैं मां। आपने देखा शादी की बात होती है उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था। देखो तो हम अपनी बिटिया के लिए का का लाए हैं। अच्छा अच्छा तुम्हारी पसंद का केक और मिठाई भी लाए हैं। हमें नहीं खाना कोई केक भी। सारा परिवार ऊपर है, पार्टी चल रही है, म्यूजिक भी बज रहा है, बस सुनैना कहीं नहीं जा सकती। ओहो, सच कहते हैं, का ही कहें अब। वहाँ ऊपर पंकजा केक काट के ना हमें खिलाई रही और हमने मना कर दिया। बेचारी का तो मुंह ही उतर गया। अब यहाँ तुम्हें खिला रहे हैं और तुम मना कर रही हो। सही कहते हैं सब, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, चले ही जाते हैं फिर, हम का ही करेंगे यहाँ बैठकर। क्यों माँ, आपने क्यों नहीं खाया पंकजा के हाथ से केक? लो, कैसे खाते भला बताओ। जब तक हमारी बाबू नहीं खाएगी तब तक माँ खा सकती है क्या? हम खाएं? अच्छा ठीक है। वैसे सुनैना का गुस्सा ना कम नहीं हुआ है। वो तो माँ ने केक नहीं खाया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने हाथों से खिला दिया। पर मैं अभी भी गुस्सा ही हूँ। तब तो सुनैना को भी अपनी माँ के हाथ से केक खाना पड़ेगा ना। है ना, माँ ने खाया है तो सुनैना को भी खाना पड़ेगा। चल मुखल 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 आ आकर 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 आ आ आ आ आ आ जेबाद मेरी प्यारी बिटिया। सुनैना, हम जानते हैं तू बाहर जाना चाहती है, पर बिटिया अपनी माँ को ना माफ कर दे बेटा। हम बहुत ही मजबूर हैं सुनैना, हमारा भी दिल करता है कि हम तुझे बाहर ले जाएं, दुनिया दिखाएं, सबसे मिलाएं। पर बिटिया अगर तुझे बाहर ले गए ना तो बहुत बुरा होगा, सच बहुत बुरा होगा। इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं ना सिर्फ तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सच इधर आ, मेरे पास आ, मेरी प्यारी बिटिया। क्या बात है,
जब से राजकुमारी की शादी की बात करके गई हैं आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हमारी परेशानी का कारण बहुत अच्छे से बूझती हैं आप। ये है हमारी परेशानी का कारण, हमारी कुंडली का दोष। ये जो लाल दरवाजा है आपका, जहां से आप आ रही हैं, अच्छा 21 साल तक तो नहीं परेशान किया ये लाल दरवाजा आपको, आज अचानक से कहो क्या? कुमुद, शादी का मतलब होता है भीड़, और वो भीड़ में, उस सारा भीड़ में अगर एको आदमी भी ये लाल दरवाजे का सच जान गया तो इतना सालों में जोन हम नाम कमाए हैं खानदान के लिए, जोन इज्जत कमाए हैं, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। दो ही दिन का वक्त मांगे हैं कुमुद, हम कह रहे हैं उसको खत्म कर देते हैं, वो मनहूस का जाने का वक्त आ गया। सोचना भी मत, काहे कि ये होने नहीं देंगे हम। आप जानते हैं, हमारा बात सुनो, हम ये होने नहीं देंगे ना। कुमुद, हमारा बात सुना, 21 साल पहले आपके प्रेम ने हमको रोक लिया था, और आज भी वही कहानी है, आपका प्रेम हमको रोक रहा है। काहे कि हम आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे एक बार कुमुद, एक बार हमारे स्थान पर खुद को रख के सोचिए। क्यों सोचे? क्या सोचे कि एक बाप अपनी बेटी को मारने पे उतारू है? और क्या सोचे कि एक बाप अपनी बेटी का नाम तक जानने का कोशिश नहीं करता? अरे नहीं जानना हमको उसका नाम, नाम नाम नहीं जानना उसका नाम। वो कलंक है हमारे खानदान के ऊपर, और जॉन कलंक को हमको मिटाना है, खत्म करना है। उसका नाम जान के क्या करेंगे? नहीं जानना उसका नाम। बाबू साहेब, एक बात तो गांठ बांध लीजिए, हमारी बिटिया को मारने से पहले ना आपको हमको मारना होगा। कहा है ना कि जीते जी तो हम ऊपर कोनो आंच आने देंगे नहीं। सोच लीजिए क्या करना है आपको। बहुत अच्छा है, बड़ी माँ हम क्या अनटचेबल हैं? मतलब अछूत हैं क्या? दी क्या बोली जा रही है, छोड़ना, जस्ट लीव इट। अरे नहीं, बचपन से देख रहे हैं, नाश्ता लंच डिनर दूध चाय जूस सब लेकर आप अपने कमरे में चली जाती है, हमारे साथ तो कभी नहीं बैठती। बहुत ज्यादा जापान चलने लगी है पंकजा तुम्हें, शादी तय होने वाली है ना, खुराफाती बंद करके घर के कामकाज सीखने में ध्यान लगाओ, समझी? एक और बात, हम में और हमरा कमरे में जितना कम दिलचस्पी दिखाओगी उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए।
ये सब कहाँ सिखा रही हो तुम? कहाँ सिखा रहे हैं हम? अरे जो देख रहे भाई तो फील करेंगी ना। आप ही बताइए कब भाभी एक बार में हमारे साथ बैठकर प्रेम का एक रोटी भी तोड़ी है? ना जाने कौन पाता घमंड है इनको। घमंड नहीं माँ, कोई राज है जो इस घर से विदा होने से पहले हम खोल कर जाएंगे। सुनैना कहाँ है बाबू? कुमुद सिंह, बाबू साहिब की धर्म पत्नी, तुम्हारी होशियारी के ना खूब किस्से सुने हम। तो चलो आज तुम्हारी होशियारी का इम्तिहान है, बताओ कौन है हम? अच्छा पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल? नहीं ना, इतनी सुंदर कहाँ। तो फिर वो जंगली बिल्ली जो हमारे सपने में आती है ना? हाँ, उसकी तो पूछ है यहाँ। तो फिर हमें लगता है ये हमारी जान बिटिया है, हमारी सुनैना। जाओ, सुनैना बिल्कुल नहीं खेलेगी। ये भी कोई बात हुई भला, हमें इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? ओहो, अब क्या करें? बच्चे लोग जो भी भेस बनाएंगे माँ लोग तो पहचान ही लेंगे ना, है ना? क्या करें? पर माँ, वो काला शैतान तो हमारा कुछ नहीं लगता, तो इसका मतलब अगर हम भेस बदल के उसके सामने जाए तो हमें पहचान नहीं पाएगा। माँ, ऐसे तो हम बाहर जा सकते है ना? माँ बोलो ना। एक बड़ा सा काला सा शैतान हर वक्त बाहर की दुनिया में घूमता रहता है और वो ना किसी को खोजता रहता है। किसको माँ? एक प्यारी सी लड़की को, और दुनिया की सबसे प्यारी लड़की तो हमरी सुनैना ही है ना। तो फिर वो काला शैतान हमें भी ले जाएगा? ना बेटा, कभी नहीं। परों का लिए ना तुमको हमेशा यही इसी बंद कमरे में रहना होगा। रहोगी ना? हाँ माँ, हमें याद है आपने बचपन में हमें कौन सी कहानी सुनाई थी, और तब तो वादा भी कर लिए थे, पर अब थक गए, थक गए इस चार दीवारी में रह रहकर। आज दम घुटता है हमारा यहाँ। मैं भी बाहर की दुनिया देखनी है, महसूस करना है वो खुला आसमान, वो बहती हवा, फूल पक्षी जानवर लोगों की भीड़, इन सब के बारे में ना आज तक सिर्फ आपके मुंह से सुना है या किताबों में पढ़ा है। एक बार भी सुनैना ने खुद से ये सब महसूस नहीं किया। हाँ, हमें भी ये सब जीना है, इन लोगों के बीच रहना है। हाँ, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। माँ प्लीज, एक बार हमें बाहर ले चलो। माँ, नहीं सुनैना की खातिर प्लीज, सिर्फ एक बार, फिर कुछ नहीं बोलेंगे पक्का। माँ प्लीज प्लीज। चल हमारे साथ। सच्ची? ये
यही सारा माल जाएगा गाजीपुर, समझे? और ये कट्टा तमंचा, ये पहुंचना है बलिया गोरखपुर, और ये जॉन, ये असला रखा है यहाँ पे, ये पटना पहुंचना है आज ही, देरी नहीं चाहिए। जी बाबू साहब। ससुर के नाती, तुमको कितना बार समझाए हैं कि हमरा ठेकेदारी का काम सफेद पोसी का है, उनका लिखाई पढ़ाई हम यहाँ नहीं करते हैं, बाहर के उजाले में करते हैं, यहाँ बंदूकें हैं, अंधेरा है, तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है, समझे में नहीं आता है, चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब बुलाए हमको? हाँ परवेश, बुलाए तो हैं, आओ हमारे साथ। यहाँ काहे लाए हैं? इतना चुप चुप है, कोनो बात हुआ है का? भैया आप एक मिनट भैया, आप वो प्रमिला अपना पमोला रमोला और पंगजा का कोनो बात सुन लिया है का? वो दोनों बुढ़बा का कहा ना लोटे के जल की तरह बहा दीजिए गंगा जी में। बहुत अच्छा, आज के बाद ये भी हमारे साथ रहेगा। परवेश, हम तुमको यहाँ बहुत खास बात के लिए बुलाए हैं। जॉन राज हमारे दिल में 21 साल से दबा हुआ था, उसको आज तुमको बताने का वक्त आ गया है। और सही मायने में ये कोनो राज नहीं है, श्राप है, श्राप है हमारे खानदान पर। ये गंगा जल लेके शपथ लो कि तुम ये राज सिर्फ अपने तक रखोगे परवेश। कसम खाते हैं भैया, जो भी राज है वो हमारे मरने के बाद हमारे आत्मा के साथ ही ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही फैसला है भैया, हम मनहूस को छोड़ेंगे नहीं। कौनो तरीका ढूंढना होगा परवेश, पंकजा की शादी से पहले इस कलंक को अपना खानदान से मिटाने का कौनो तरीका ढूंढना होगा। 2 दिन भैया, 2 दिन में मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। नैना को लग रहा था कि आप उसका मुंह धुलाकर ना उसको बाहर ले जाओगे। आकर देख बाबू, जो चीज हम नहीं कर सकते ना, उसका वादा हम तो सुना ही करेंगे। और हम तो पार्टी की बात बताने के लिए आए थे, तेरी पंकजा के लिए ना शादी का रिश्ता आया है। शादी का रिश्ता? हाँ, तो अब हर लड़की की जिंदगी में एक दिन तो आता ही है कि जब एक राजकुमार आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और फिर वो लोग प्रेम से अपनी नई दुनिया बनाते हैं, है ना? माँ, तो इसका मतलब हमारे लिए भी आएगा कोई राजकुमार। बोलो ना माँ। ये थरा बैठ जा। देख बाबू, ओ काले शैतान की वजह से ना तेरी दुनिया तो बस यही है, और
इस दुनिया में ना शादी ब्याह नहीं होता, नहीं होता है बाबू। अच्छा माँ, फिर हमारा दिल ऐसा क्यों कहता है कि हमारे लिए भी जरूर कोई ना कोई तो आएगा। जरूर हमारे कान्हा जी ने हमारे लिए भी किसी को तो बनाया ही होगा जो हमें उस काले शैतान से बचाएगा। पता है माँ, हमने ना किताबों में पढ़ा था जो राजकुमारी 7 सालों की कैद में थी ना, उससे मिलने उसका राजकुमार उरन खटोले पर आया था। क्या पता हमारा वाला भी आसमान में यूं उड़ के जमीन पे उतरे। या फिर भरी सभा में ऐसे चल के आए, सब उसे देखें और देखते ही रह जाए। सब यही कहें, क्या बाल है, क्या चाल है, ये लड़का है या कमाल है। बैंड बजाओ, भैया जी आ गए। शायद उसके स्वागत में भी ऐसी पूरी कायनात नाचे, फूल बरसे, ढोल बजे। नमन भैया, वेलकम टू मुंगेर। तो आपकी सुनैना ना जागते हुए भी सपने देख रही है। I love you, ma. I love you, ma.